यहाँ भी है ऑनर किलिंग। औरत को आज़ादी नहीं है कि वो अपना जीवन साथी चुन सके, इसीलिए हमारे यहाँ खाप पंचायत है। आपके यहाँ भी ऑनर किलिंग के केसेस मैंने सुने हुए। खैर, मैं कुछ गलत कह गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं जो बात कह रहा था कि जो मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स आया, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस, इसका मजहब के मॉरल वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं है। ये आया कौन से तबकों से? ये आया यहाँ के लैंडलॉर्ड, राजा, नवाब, जमींदार तबकों से आया। बाद में जाकर कुछ एजुकेटेड लोग इसके साथ जुड़ गए, और जो एजुकेटेड लोग जुड़े, जो एलीट उनके साथ जुड़े, उन्होंने इन वर्गों के लिए, इन क्लासेस के लिए आइडियोलॉजीज बनाई। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदू नेशन, समहाउ दे रन पैरेलल। अगर आप दोनों चीज़ों को देखेंगे तो आप मेरे पे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि ये एक तरफ का मामला नहीं है। जो बात इधर से हुई वही बात उधर से हुई, और इसलिए जब हिंदू राजा नवाब, मुसलमान राजा नवाब साथ साथ आए, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन बना, तो इसमें फूट डाली अंग्रेज़ों की, फूट डाल डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ने। और मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वाकया बयान किया, और वो वाकया था 1906 का। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन के एक मेंबर, फाउंडर मेंबर, वो थे ढाका के नवाब। ढाका के नवाब साहब ने 1906 में लॉर्ड एल्फिस्टन वाइसराय को लेटर लिखा कि हुजूर, हम आपको मिलना चाहते हैं, हम मुसलमानों की कुछ मांगे हैं, कुछ तकलीफें हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। अब हैं ये कौन लोग? नवाब लोग हैं कौन लोग? ये जागीरदार हैं। पर उन्होंने क्या कहा? हम मुसलमानों की मांगे हैं। प्लीज नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे वर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाउनट्रॉडन मुस्लिम्स, दे वर द एलीट सेक्शंस ऑफ किंग्स एंड लैंडलॉर्ड्स हुज पावर वाज डिक्लाइनिंग। तो उन्होंने मिले, और उन्होंने जो आवरण ओढ़ा वो था मुस्लिम लीग के नाम का। इसी के समांतर, इसी के पैरेलल जो दूसरी पार्टी बनी वो थी हिंदू महासभा। बड़े मजे की बात है कि यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन में काशी के राजा भी थे, ढाका के नवाब भी थे। ढाका के नवाब ने बाद में जाकर, वो भी थे, मैं सबकी जिसने ले रहा, ढाका के नवाब बाद में जाकर मुस्लिम लीग के फाउंडर बने, और काशी के राजा बाद में जाकर हिंदू महासभा के फाउंडर बने। तो ऊपर से लगता है कि एक दो ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, पर मेरा विश्वास कीजिए, इनकी विचारधारा, आइडियोलॉजी एक ही है। ये अंदर से चोर चोर मौसेरे भाई हैं। दे बोथ बिलीव इन बर्थ बेस्ड हायरार्की ऑफ कास्ट एंड जेंडर। एनीवे, ये पॉलिटिक्स ने इस सब कॉन्टिनेंट को काफ़ी बर्बाद किया, और जो फ्यूडल एलिमेंट्स, जो लैंडलॉर्ड्स, जो राजा आज़ादी के साथ ख़त्म हो जाना चाहिए थे, वो ख़त्म नहीं हुए, वो चलते रहे, और उनके वैल्यूज़ को उन्होंने रिलीजन का लेयर बना के प्रस्तुत किया। तो खैर, अब कंट्रास्ट ये है, इंडिया बना सेक्युलरिज्म के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे। पर ये इंडिया में अभी अंदर से वायरस घुस गया है, आप इसको वायरस कहिए, कैंसर कहिए, और वायरस है कम्युनलिज्म का। जो आरएसएस 1948 में जिसके एक कार्यकर्ता ने, जिसके वॉलेंटियर ने महात्मा गांधी का मर्डर किया, वो आरएसएस 1980 के बाद भगवान राम के कंधे पर बैठकर बहुत पावर से सामने आई। और जहाँ वहाँ का जो लेफ्ट ओवर मुस्लिम कम्युनलिज्म वो शाहबानों के केस के रूप में सामने आया। एंड दे बोथ बूस्ट ईच अदर। प्लीज नोट, पंडित नेहरू ने कहा है, एवरी टाइप ऑफ कम्युनलिज्म इज बैड, बट मेजॉरिटी कम्युनलिज्म इज मोर डेंजरस। व्हाई? बिकॉज मेजॉरिटी कम्युनलिज्म प्रेजेंट्स इटसेल्फ एज ए नेशनलिज्म, एंड माइनॉरिटी कम्युनलिज्म प्रेजेंट्स इटसेल्फ एज सेपरेटिज्म। तो जो अल्पसंख्यक कम्युनलिज्म होता है वो अलगाववाद के रूप में प्रस्तुत होता है, और जो बहुसंख्यक कम्युनलिज्म होता है वो राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत होता है। तो खैर, इंडिया में रहकर आज हिंदू राष्ट्र
जो कीड़ा भारतीय जमहूरियत और सेक्युलरिज्म को लगा हुआ है, उस कीड़े का नाम है हिंदुत्व, हिंदू नेशनलिज्म। मैं यहाँ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, प्लीज नोट, इसके लिए मुझे कभी गलत मत समझिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा हिंदू जो था, सबसे बड़ा हिंदू 20th सेंचुरी का, उसने इसी सेक्युलरिज्म, इसी जमहूरियत के लिए अपनी छाती पर 3 गोलियां खाई। अपने हिंदू धर्म से वो कभी नहीं डिगा, पर उसने कभी भी हिंदू कम्युनलिज्म की बात नहीं की। ऐसे ही मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो अपने आप में इस्लाम के स्कॉलर थे, उन्होंने कभी भी इस्लामिक नेशन की बात नहीं की। खैर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों, 60 साल के सफर में पाकिस्तान अलग अनुभवों से गया है, इंडिया अलग एक्सपीरियंसेस में से गया है, और ये दोनों अनुभव जो हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान में, इनमें थोड़ा कंट्रास्ट भी है और थोड़ी सिमिलैरिटी भी है। कंट्रास्ट ये है, पाकिस्तान में बहुत बार रिलीजियस नेशनलिज्म गद्दी पर आकर बैठा, भारत में थोड़े सालों के लिए अलायंस में, एनडीए की सरकार में, बीजेपी की लीडरशिप में 6 साल तक ये हिंदू कम्युनलिज्म सत्ता की गद्दी पर बैठा। और मेरा विश्वास कीजिए, केवल ये लोग इंडिया में केवल पॉलिटिकल पावर के रास्ते से नहीं आ रहे, पॉलिटिकल पावर के साथ साथ आरएसएस के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की कि पुलिस, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन एंड मीडिया, ये 6 वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इनमें अपने कार्यकर्ताओं को घुसाया जाए। इसलिए जब एक बेचारा मुस्लिम किसी चीज के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, तो पुलिस थाने में पहले तो उसको जाने से डर लगता है, क्योंकि पुलिस का रवैया होता है कि ये मुसलमान है तो अपराधी तो होगा ही। क्योंकि एक वर्कशॉप में मैं ले रहा हूँ, वर्कशॉप्स कहीं लेता हूँ मैं, पुलिस के बीच में भी हिम्मत करता हूँ, तो मैंने पूछा, भाई मुस्लिम मैंने क्या? तो एक पुलिस कांस्टेबल ने हाथ उठाया, मैंने कहा बोलो भाई क्या आप मुस्लिम मैंने क्या? तो उसने इंस्टेंटली जवाब दिया, मुस्लिम यानी एक क्रिमिनल। ये जवाब 25 साल पहले का है। आज जाके पूछो, वर्कशॉप बहुत सारे दिनों से मेरी नहीं हुई, आज जाके पूछो तो कहेगा ये मुस्लिम यानी टेररिस्ट। ये जो माइंडसेट वहाँ के पुलिस, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी में बन गया, ये हमारे अंदर से हमारी जमहूरियत और हमारे सेक्युलरिज्म को एक बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के खतरों को आप ज्यादा अच्छा जानते हैं। मेरी एक समझ ये भी है कि इन दोनों खतरों के पीछे, वो भारत हो या पाकिस्तान, कहीं तो भी अमेरिका का सपोर्ट, अमेरिका का स्टिमुलेशन छुपे रूप से इनका सपोर्ट करता है। एनी फंडामेंटलिज्म इन द वर्ल्ड, प्लीज नोट, पिछले 30 सालों से दुनिया में जो फंडामेंटलिज्म बढ़ा है इस्लाम के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, उसमें अमेरिका का छुपा हुआ हाथ कहीं होता है। अब सवाल ये उठता है, ये समस्याएं तो मैं आपको थोड़े से मैं बता सकता हूँ, इससे सबसे ज़्यादा फर्क इंडिया में जिसको हुआ है, एक तरफ मुस्लिम माइनॉरिटी, दूसरी तरफ क्रिश्चियन माइनॉरिटी, ये दिखता है, ये क्लियर कट दिखता है। 13.4% मुसलमान हैं और कम्युनल वायलेंस में जो मारे जाते हैं वो 90% मुसलमान होते हैं। क्रिश्चियंस, पैस्टर ग्राहम स्टेन्स को जिंदा जला दिया गया, कंधमाल में 400 क्रिश्चियंस को, जैसे मेरे दोस्त बयान कर रहे थे, उनको बेघरवार कर दिया गया, मार डाला गया। तो ये दो माइनॉरिटीज पे जो अत्याचार है वो दिखता है, और जो नहीं दिखता वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। समाज के तीन और तबके, दलित, ट्राइबल और विमेन, दलित, ट्राइबल और विमेन, इनके ह्यूमन राइट्स पहले से पीछे जा रहे हैं। मेरी ये मान्यता है, मेरी ये समझ है कि कम्युनलिज्म केवल दूसरे धर्म को दबाने के लिए नहीं आता, कम्युनलिज्म केवल दूसरे धर्म के लोगों को दबाने के लिए नहीं आता, ये उसका एक्सटीरियर फॉर्म है, ये उसका बाहरी दिखने वाला स्वरूप है। अंदर से उसका एजेंडा होता है कि समाज के मजदूर, दलित, महिला,
ट्राइबल, ये सब इनके ह्यूमन राइट्स को वाइप आउट कर दिया जाए. आई एम फॉर्मली कन्विंस्ड अबाउट व्हाट आई एम सेइंग. इसलिए मेरा जो तकलीफ और पीड़ा ये है, सबसे बड़ी तकलीफ है, एक पॉलिटिक्स का मुकाबला पॉलिटिक्स से कर सकते हैं, पर पॉलिटिक्स जब धर्म की भाषा में आता है, पॉलिटिक्स जब मजहब के कपड़े लपेट के आता है, तो उससे लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं तो भी हमारी भावनाओं से जुड़ जाता है. और ये तकलीफ आपकी भी है, ये तकलीफ मेरी भी है. और इसमें जो कॉमन चीज़ें हम सब के बीच में हैं, उसको बाहर निकाल कर मेरा पूरा विश्वास है कि अगर हम अपनी समस्याओं को हल करना चाहते हैं, तो भारत के प्रोग्रेसिव लोग और पाकिस्तान के प्रोग्रेसिव लोगों में एक फर्म अलायंस होने की बहुत ज़रूरी है. आप पाकिस्तान के सिटीजन हैं, एक्सेलेंट, मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, नो प्रॉब्लम. पर आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है और मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है, ए डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री, डेमोक्रेटिक सेक्युलर नेशनलिज्म, उसमें कोई फर्क नहीं है. और इसके रास्ते की जो रुकावट है, मजहब के नाम की राजनीति और मजहब के नाम के पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने वाला इंपीरियल पावर, द इंपीरियलिस्ट पावर, जिसको जो काफ़ी बेनकाब होते जा रहा है, अभी तक शायद पता नहीं बेनकाब था कि नहीं, पर 9/11 टेररिज्म को एनकरेजमेंट, उसके बाद ये काफ़ी बेनकाब हो चुका है. तो दोस्तों, मेरा अपील ये है कि आप और हम मिलकर कुछ ऐसी योजना बनाएं, क्योंकि साउथ एशिया में ये दोनों सबसे बड़े मुल्क हैं, और ये दोनों मुल्कों के प्रोग्रेसिव लोगों का डीप अलायंस यहाँ की गवर्नमेंट्स को एक मैसेज देगा. यहाँ की लोगों की चेतना, यहाँ के लोगों की थिंकिंग, यहाँ के लोगों की कॉन्शियसनेस को एक बहुत बड़ी दिशा देगा, जिससे सरकारों पर एक प्रेशर आ सकता है. क्योंकि कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती. इंडिया में जमहूरियत है, पूरी जमहूरियत ऐसा कभी नहीं होता. इट इज़ ऑलवेज ए बैलेंस बिटवीन द फोर्सेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड द फोर्सेस विच वॉन्ट टू एबॉलिश डेमोक्रेसी. दिस इज अ कॉन्स्टेंट बैटल. कभी ये ऊपर होता है, कभी वो नीचे जाता है. ये दोनों के बीच में अगर हम पाकिस्तान में जमहूरियत के फीलिंग्स को मजबूत करना चाहते हैं, इंडिया में जमहूरियत के फीलिंग्स को मजबूत करते हैं, कर सकते हैं, तो उसके लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. मैंने पहले भी कहा, वी कांट चेंज हिस्ट्री, वी कांट चेंज हिस्ट्री, बट वी कैन बिल्ड द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू अवर एस्पिरेशंस. एंड दैट टाइम हैज कम दैट वी फॉरगेट बाउंड्रीज आर देयर, नेशनल बाउंड्रीज 60 साल पुरानी है, 70 साल पुरानी है, लेट देम बी देयर, बट आवर फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स एंड एस्पिरेशंस जो एक अच्छे समाज के लिए हैं, और वो बेसिक कंसर्न जो है, बेसिक कंसर्न ऑफ ह्यूमन राइट्स. जरा अंदाज कीजिए, पाकिस्तान की गरीबी, इंडिया की गरीबी, हम लोग इसमें कॉम्पीट करते हैं कि गरीबी के इंडेक्स में, हंगर के इंडेक्स में, इलिटरेसी के इंडेक्स में हम नीचे से कहाँ हैं. मुझे बड़ी खुशी होती है, अरे पाकिस्तान से हमसे तीन कदम नीचे है. पाकिस्तान में खुशी होती होगी, हमारा जीडीपी थोड़ा सा ज़्यादा है, पर हम नीचे की तरफ से हैं. और वी वेयर द वेरी प्रॉस्परस रीजन, याद रखिए, बिफोर वी वेर प्लंडर्ड बाई द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, वी वेर ए वेरी एफ्लुएंट पर्टिकुलर रीजन. और इसको प्लंडर करने के बावजूद भी, वी हैव इनफ मैन पावर, इनफ रिसोर्सेज दैट वी कैन बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग साउथ एशियन रीजन. मेरी आज ये भी मान्यता है कि कंट्रीज कैनॉट गो ग्रो अलोन. कोई भी मुल्क आइसोलेशन में डेवलप नहीं हो सकता. इट इज रीजन्स विच ग्रो, रीजन्स ग्रो टुगेदर एंड फॉल टुगेदर. इसीलिए आप देखेंगे, पिछले 30 साल में भारत में जमहूरियत को हमला हुआ, पाकिस्तान के भी हालात बिगड़े. और देयर इज सम पैरेललिटी, कुछ एक समांतर ये पैरेलल एक दूसरे के चलते हैं. ये एक सोचने की बात है, उसको मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा. उसके लिए मैं अपने उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पीपल टू पीपल इनिशिएटिव लेकर, जैसे करामत साहब यहाँ हैं, बाकी दोस्त लोग जो हैं, पीपल टू पीपल इनिशिएटिव में जिन्होंने शुरुआत की. क्योंकि केवल सेक्रेटरी लेवल टॉक्स, केवल गवर्नमेंट लेवल टॉक्स से प्रॉब्लम हल नहीं होगा. टोटैलिटी ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई पीपल टू पीपल इनिशिएटिव. ट्रेड, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, एजुकेशन, इन सब में कोलैबोरेशन,
ये सभी चीज़ों को मजबूत करने के लिए आपका फोरम और हमारे यहाँ के सब लोग अगर साथ में आके हम आगे चलें तो डेफिनेटली वी कैन ड्रीम फॉर ए बेटर साउथ एशिया. वी कैन ट्राई टू चैलेंज द इंपीरियलिस्ट पावर ऑल्सो. आज तो इंपीरियलिस्ट पावर के ऊपर कोई नकेल नहीं है. देर इज़ नो ब्रेक. जब मर्जी आए पाकिस्तान में घुस गए, अफगानिस्तान में घुस गए, यहाँ ड्रोन अटैक कर दिया, अबोताबाद में घुसकर कहा उन्होंने उसामा बिन लादेन को मार दिया. मैं पता नहीं, ऐसा मेरा अंदाज है कि 11वीं बार उनको मारा गया, उसामा बिन लादेन 11वीं बार, ऐसा मेरा अंदाज है. पता नहीं कब मरे कब नहीं मरे, अल्लाह उनको जो भी है उनके साथ करे. तो ये चीज़ें अगर हम चाहें तो एक साउथ एशियन यूनिटी विच इज मल्टी लेयर्ड विच बिगिन्स फ्रॉम पीपल गोज टू द लेवल ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स, इसके लिए अगर हम एफर्ट कर सकें तो डेफिनेटली विल बी हेल्पिंग इन द कॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. थैंक यू वेरी मच. थिंग्स कैन बी लोकेटेड बट हियर आई विल लाइक टू सी व्हाट वाज द गोल ऑफ गांधी. गोल ऑफ गांधी वाज वेरी सिंपल, टू इन्वॉल्व ऑल द मासेस इन टू एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल नंबर वन. नंबर टू, टू यूनाइट ऑल ऑफ द इंडिया कटिंग अक्रॉस रीजन रिलीजन language, caste and gender into a single national Indian identity. That was his primary goal. और उस goal के चलते उन्होंने जो strategies की उसमें sometimes I may disagree with him also. I need not agree with him. और इसलिए अम्बेडकर और गांधी में मतभेद है, गांधी और भगत सिंह में मतभेद है. मुझे choice दी गई तो मैं भगत सिंह का हाथ पकड़ूंगा, अम्बेडकर के कंधे पे जाके बैठूंगा, मेरी चॉइस अगर है. पर गांधी का योगदान ये है कि वो इस कंट्री का एक मीम निकाल के चलते हैं. इनमें मतभेद तो है, मैं इंडिया में बताता हूँ क्योंकि इंडिया में मुझे फेस करना पड़ता है. तो आई गिव द फॉर्मूला भगत सिंह गांधी एंड अम्बेडकर. व्हाट डू आई टेक फ्रॉम भगत सिंह? आई टेक फ्रॉम भगत सिंह द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, कंसेप्ट ऑफ राइट्स. व्हाट आई टेक फ्रॉम अम्बेडकर? फ्रॉम अम्बेडकर आई टेक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी. And what I take from Gandhi is fraternity. And but वो और ये तीनों लोग एक मूल्य पर ज़्यादा फोकस करते हैं, दूसरे मूल्यों को साथ लेके चलते हैं. तो उनका आपस में मतभेद होगा, पर जहाँ तक डेमोक्रेसी का सवाल है, नेशनलिज्म का सवाल है, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी का सवाल है, उसमें उनमें कोई फर्क नहीं है. ये सवाल मैं खुद होकर जवाब इसलिए दिया कि इंडिया में मुझे ये सवाल बार बार पूछा जाता है, क्योंकि मेरे फॉर्मूला में ये तीनों लोग आते हैं. खासतौर से 1993 के बाद भगत सिंह तो पहले से थे, अम्बेडकर उसमें जुड़ गए और गांधी भी उसमें जुड़ गए, क्योंकि दे हैव ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड इन ए वेरी डिफरेंट वे. और मैं पर्सनली किसी एक चीज़ में ये मानता हूँ कि जहाँ से जो अच्छा मूल्य मिले, वॉट एवर गुड यू कैन लर्न फ्रॉम एनी फिलोसफी एनी इंडिविजुअल, यू मस्ट पिक इट अप. It must be the theory of class struggle, it may be the theory of class differentiation, or it may be how a nation state is formed. All positive things we have to take up and march forward in that direction.